तो आज है 6 नवंबर 2021 और आशा करता हूँ आप लोगों की दिवाली बहुत अच्छी गई होगी। और आज है भाई दूज का दिन। अभी फ़िलहाल मैं कनक के पास जा रहा हूँ भाई दूज का टीका करवाने के लिए। उसके बाद मेरे को नानी को लेके जाना आज बहुत ही बढ़िया जगह पर। हो सकेगा ज़रूर दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। और बाकी टाइम अभी हो चला है 11:05। बाकी देखते हैं अभी कितना कुछ वहाँ पे मस्ती वस्ती करेंगे। और सबसे पहले गाड़ी में से कपड़ा हटा लूँ। कल गाड़ी पूरी धुलवाई थी, एक नंबर की चमक रही है बॉस, एक नंबर। क्योंकि कल विश्वकर्मा डे था, उसको बोलते हैं हम गोवर्धन पूजा एज वेल। हाँ, गाड़ी बंद करी थी, थैंक्स टू अमित, उसने मेरी गाड़ी कल वॉश करवा दी थी बढ़िया तरीके वाली, एकदम अंदर बाहर से पूरा फुल इंटीरियर। तो करते हैं आज अपने दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छे त्योहार के साथ। और वैसे भी जब भी क्या कहते हैं एक त्यौहार आता है वो सारे त्यौहार ले आता है। मेरे हिसाब से दशहरा जब भी आता है तो सारे त्यौहार एक साथ लेके आ जाता है। 3-4 त्यौहार एक साथ पड़ते हैं वैसे भी, और बहुत ही प्रॉस्पेरिटी वाले त्यौहार ये होते हैं। निकालते हैं अपनी गाड़ी और चलते हैं नानी के पास। चलो फिर कर दे फटाफट नहा ली तू, लग तो रही नहीं। कोई बात नहीं, कर दे टिक्का कर दे ऐसी। अपने देख के ही तो बोला था एक ही दान लगाई। मेरी तरफ से भी 500, आपकी तरफ से। ये कमाते रहते हैं और हम देते रहते हैं, यही तो काम है भाइयों का। तो आप बता दे व्लॉग में माजी लगा था ना, बहुत बड़ा परिवार है। आज दिखाएंगे कितना बड़ा परिवार है। आज दिखाएंगे आपको एक नंबर का फार्म हाउस है ना। अर्थात वो मजा आ जाएगा वहाँ पे। आज मेरे को भी आ जाएगा वैसे तो। चलो गाइस आपको भी मिलवाते हैं जरा आज, मतलब मिलवाते हैं क्या, दिखाते हैं बढ़िया सा फार्म हाउस। जय श्री राम, जय श्री राम। शेर, ये वाले शेर कह रहे थे। हाँ, आगे जाके हाथी भी है। तो अर्थव और मैं निकल गए हैं थोड़ा फार्म हाउस के सैर को, और आपको दिखाते हैं यहाँ का पूरा गार्डन टूर दिखाते हैं। सबसे पहले ना चलो यहाँ का एक पार्क टूर दिखाते हैं, फिर अगर आपको हो सकेगा तो आपको होम टूर भी जरूर दूंगा मैं। ओके, तो चलते हैं। ये यहाँ पे पूरा फाउंटेन एरिया आ चुका है, ऐसा देखने दे फाउंटेन एरिया देख, ठीक है। और कहाँ है पार्क? अरे उधर साइड, ये भी तो घूमते हैं इतने। और ये दिख रहा है आपको, इसको ये पूरा पार्टी ले उधर वो, अच्छा वो ना, ठीक है। देखो इतनी सारी हरी भरी घास है ना भैया, बहुत सुंदर, एक नंबर, एक नंबर है बॉस, मजा आ गया। की बात कर रहा था मैं, यहाँ पे अराउंड से अराउंड 50 लोगों की पार्टी आराम से हो सकती है। इधर पूरा किचन विचन सब कुछ पहले से सेट है, एक नंबर। ऐसा लग रहा है जैसे वहां पे पहुंच गए पार्क में। देखो कैसे, हां उसके पीछे क्या है भैया, ये भी फार्म हाउस है। हाँ, इस पे झूलेगा तू, झूलेगा इस पे। चल फिर चल। ओए बता वो क्या है, वो पता नहीं, वो भी फाउंटेन एरिया लग रहा है मेरे को। चल देख के आते हैं, क्या खेलूंगा मैं, झूले पे थोड़ी झूलूंगा मैं तो, बड़ा हो गया मैं झूले पे आऊंगा भी नहीं। तो आप मेरे वीडियो में, तेरी वीडियो बना दूंगा मैं। चल इतना बड़ा ग्राउंड हो, ओली भी भागेगी इतने बड़े ग्राउंड में तो, है ना, ओली भी पागल हो जाएगी यहाँ पे तो आगे। तो कहाँ फंस गया ये, और क्या कर रहा है, चढ़ पूरा चढ़ ऊपर,
और चढ़ चढ़, डर क्यों रहा है, चढ़ मैं खड़ा हूं तेरे को, चढ़ हालत खराब होगी बेचारे की, क्यों ये इसलिए तो है फार्म हाउस में जितनी वेजिटेबल होती है सारी की सारी बिल्कुल फ्रेश, जैसे ये है, ये शायद मूली है, यहाँ पे ये गोभी है, ये हमने खुद उगाया रखी है, हाँ बता दी, और वो वहाँ पे पालक है पूरा, वो वाला पालक है वहाँ पे, नहीं पता मेरे को क्या, और मेरे को ये भी नहीं पता यहाँ पे क्या है, किसी को पता हो तो कमेंट करके बताओ ये वाले कौन से वाले हैं, है ना हर तब सॉरी हाँ। ये भी इस पे नींबू भी लगे हुए हैं इतने सारे, देखो पूरे में नींबू, नींबू तोड़ियो मत, तोड़ मत, नहीं तो कच्चे हैं, तोड़ मत, देखो सारे में नींबू लगे, देखते हैं ना कैसे, कच्चे खा रहे थोड़ी जाते हैं यार, चढ़ गिर मत जाइए, एक नंबर फोटो। तो गाइस फाइनली निकल चुके हैं हम फार्म हाउस से, आई एम सो सॉरी मैं आप लोगों को होम टूर दे नहीं पाया, थोड़ा प्रिवेसी का ध्यान रखना पड़ता है बड़े बड़े लोगों की, तो क्या करें इसलिए मैं दे नहीं पाया आपको, वरना मैं 100% दे देता, अगर नेक्स्ट टाइम जाऊंगा तो मैं दोबारा से पूछ लूंगा, अगर उन्होंने बोल दिया हाँ दे सकते हो तो डैम श्योर पक्का आप लोगों को होम टूर पक्का दूंगा 100%। और अभी घर पे जा रहे हैं, मेरी बुआ भी आ चुकी है, उनसे भी टीका करवाना है, बुआ थोड़ी लेट हो गई क्योंकि दीदी घर पे आई हुई थी इसलिए, बाकी देखते हैं अभी। और आप बताओ आप लोगों कैसा चल रहा है सब कुछ, भाई दूज आज का है, कितने पैसे वैसे दिए बहनों को आज, जरा कमेंट में बताना अपने, अर्थव ने करके अर्थव ने कितने दिए, अर्थव ने दिए 50,000 रुपए, अर्थव पूरा खाली हो चुका, 500 दिए अर्थव ने, और वही पापा ने दिए, ठीक है चलो फिर घर चलते हैं, फिर मैं आप लोगों से बात करता हूँ, अभी बस पहुंचने वाले हैं घर पे थोड़ी देर। चलो भाई फाइनली नानी को छोड़ दिया है और अर्थव को छोड़ दिया है, और हम जा रहे हैं घर पे क्योंकि बुआ भी आ चुकी है, बुआ भी मेरा वेट कर रही है टीका करने के लिए, घर हो जाता हूँ एक बार, और बाकी काफी सही ट्रिप हो गई, काफी सही इंजॉयमेंट हमने कर लिया वहाँ पर, क्यों चलो घर पे आया, लेकिन मेरे आने से 10 मिनट पहले ही बुआ निकल चुकी थी, लेकिन इस बार तो ओलिव को भी बांध के चली गई, देखो टिक्का लगाया ओलिव के भी, और ओलिव के भी ये बांध दिया कलावा ओलिव तूने कितने पैसे दिए बुआ को है पता, तो दिया नहीं दिया तूने, ये कुछ नहीं देती भाई, ये सिर्फ गोली देती है, चलो यार बुआ तो चलेगी, चलो कोई बात नहीं, मेरे तो इस बार टिक्का लग नहीं पाया, नेक्स्ट टाइम निकल जाएगा तो मैं टिक्का लगवा लूंगा, कोई बात नहीं। तो चलो इस वाली वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, और आज का ब्लॉग काफी सही रहा, ज्यादा मैं चीज आपको दिखा नहीं पाया, लेकिन जो था मैंने बना दिया आप लोगों को दिखा दिया, तो अब मैं आपसे मिलता हूँ कल एक नए वाले ब्लॉग में, अब त्योहार थोड़े खत्म हो चुके हैं, देखते हैं कुछ कंटेंट वंटेंट बनाना पड़ेगा, और बाकी सो फार सो गुड, और ओलिव अभी बैठ के रेस्ट कर रही है मेरे साथ, ये रही ऐसे बैठी रहती, ऐसे ऐसे रहती है, ओलिव नो कहीं जाना और ये तक, चलो मैं मिलता हूँ आप लोगों से कल, सो गुड नाइट बाय टेक केयर, और ओलिव तेरे को कुछ कहना है, कुछ ऑडियोज अमीगोज वगैरह कुछ कहना है तेरे को, कुछ नहीं कहना, कुछ बाय ऐसे बोन जोड़नी कुछ, चलो मैं कहता हूँ बाय बाय।